पालन में संवेदनशीलता, समर्पण और बलिदान का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को भी स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस दिन हम उन वीर शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने राष्ट्र व समाज की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति दी है। यह शौर्य वीर गाथा 63 वर्ष पुरानी है। आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1959 को भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिम आच्छादित जनहिंद क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 10 जवान नियमित गश्त पर निकले थे। स्वचालित राइफलों व मोर्टारों से लैस चीनी सैनिकों ने छल पूर्वक हमारे क्षेत्र में घात लगाकर अचानक गश्ती दल पर हमला कर दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साधारण शस्त्रों के बावजूद पुलिस दल की टुकड़ी ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए केंद्रीय पुलिस बल के 10 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। इन्हीं अमर वीर जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा प्रचलित है। 1 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक की अवधि में संपूर्ण भारतवर्ष में कर्तव्य की वेदी पर 264 पुलिसजनों ने अपने प्राणों को निछावर किया। इनमें उत्तर प्रदेश के 7 पुलिसजन क्रमशः उप निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा, उप निरीक्षक कादिर खां, मुख्य आरक्षी सुनील कुमार चौबे, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी सुमित कुमार, आरक्षी ललित कुमार एवं आरक्षी मनीष कुमार सम्मिलित है। कर्तव्य पालन में आत्मबलिदान करने वाले इन वीरों के पराक्रम से प्रदेश का संपूर्ण पुलिस बल गौरवान्वित है। इन वीर पुलिसकर्मियों का त्याग एवं बलिदान देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण बनकर हमारी भावी पीढ़ी को सदैव कर्तव्य परायणता के मार्ग पर निर्भीकता के साथ अनुगमन की प्रेरणा देता रहेगा। हमारे पुलिसकर्मियों का यह बलिदान उनकी सच्ची समर्पण भावना एवं कर्तव्य परायणता का द्योतक है तथा कर्तव्य निष्ठा एवं जन सेवा के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इस पावन अवसर पर मैं अपनी तथा संपूर्ण पुलिस परिवार की ओर से इन वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव उनके साथ है। प्रकृति कुछ ऐसी है कि इसमें कलम कलम पर जोखिम व जीवन भय सन्निहित है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपनी प्राणाहुति देते हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन सेवा के उच्च आदर्श की प्राप्ति में मर मिटने से भी गुरेज न करने वाले ये पुलिसजन मर कर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ छेद नहीं होती अपितु अविरल अनुप्रणित करती रहती है। 21-8-2021 तक की अवधि में कर्तव्य पथ पर वीर गति को प्राप्त हुए पुलिसकर्मियों की शौर्य गाथा से संबंधित प्रमुख घटनाएं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस वीरेंद्र नाथ मिश्रा जनपद फतेहपुर दिनांक 31-3-2022 को थाना सुल्तानपुर घोष में नियुक्त उप निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा को जीडी नंबर 19 समय 10:19 बजे वाहन चेकिंग ड्यूटी हेतु रवाना किया गया। थाना गेट से करीब 20 मीटर की दूरी पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी समय लगभग 10:30 बजे वाहन संख्या UP 71-85 हीरो स्प्लेंडर प्लस के चालक नरेंद्र पासी व उसके पीछे बैठे उसके पिता प्रकाश पासी निवासीगंज दुर्गा का पूर्वा थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर द्वारा वाहन चेकिंग में मामूर उप निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा पर वाहन रोकने से समय जान से मारने की नियत से मोटरसाइकिल उनके ऊपर चढ़ाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उप निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा को तत्काल निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हथगांव में ले जाया गया जहां चिकित्सक द्वारा उप निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा को मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उप निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी गई। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस कादिर खान जनपद गौतम बुद्ध नगर दिनांक 17 जुलाई 2022 को थाना दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर पर नियुक्त उप निरीक्षक नागरिक पुलिस कादिर खान जीडी संख्या 11 समय 9:48 मुकदमा अपराध संख्या 745 बटाई गई धारा 302-201 भादवी में वास्ते पता रसी व सुराग रसी हेतु जनपद मेरठ रवाना हुए थे। मेरठ जाते समय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस 108 से सुभारती अस्पताल मेरठ ले जाया गया जहां डॉक्टरों द्वारा उप निरीक्षक कादिर खान को मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उप निरीक्षक कादिर खान द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी गई। मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस मनील कुमार चौबे जनपद प्रयागराज दिनांक 17 जनवरी 2022 को थाना सराय इनायत प्रयागराज में नियुक्त मुख्य आरक्षी मनील कुमार चौबे की ड्यूटी यातायात शांति व्यवस्था हेतु सहसो चौराहे पर लगी थी। ड्यूटी के दौरान मुख्य आरक्षी मनील कुमार चौबे को वाहन संख्या 70 GT 3642 पिकअप द्वारा टक्कर मार दी गई।